Déjà perdu. Quand tu l'as vu, je me plaçais à la fin. बच्चों नमस्कार, मैं सुशील कुमार यादव, पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा सेकंड शिफ्ट, आज आप लोगों के सामने आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत कबीरदास का पद लेक्चर 2 लेके उपस्थित हूँ। पहले मैंने कबीरदास के बारे में आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दी थी कि कबीरदास का जो पूरा रचना कर्म है वह 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं से निर्मित है और यही 3 महत्वपूर्ण बिंदु उनके व्यक्तित्व के भी महत्वपूर्ण अंग हैं। एक भक्त कबीर, कबीरदास भक्त के रूप में, दूसरा समाज सुधारक कबीर और तीसरा क्रांतिकारी कबीर। जब हम उनका पद पढ़ेंगे, आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि कैसे एक ही पद में उनके व्यक्तित्व के तीनों अंग हमें मिल जाते हैं। भक्त, सामाजिक सुधार करने वाला और क्रांतिकारी। तो अब हम लोग पाठ शुरू करते हैं अपना। आप लोग ध्यान दीजिए, इस समय ना मेरे पास कोई व्हाइट बोर्ड है ना ब्लैक बोर्ड है, इसलिए मैं लिख नहीं सकता, तो मैं कठिन शब्दों का जो अर्थ बताऊंगा आप लोग उसे नोट करते चलेंगे। कबीरदास का हम आज दूसरा पद पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार इसका सस्वर वाचन करता हूं, फिर मैं आपको कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नान, आत्म मार पखाना ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मार डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहिमाना, आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। सहजे सहज समाना। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम जानते चलें। संतो संबोधन है सज्जनों के लिए, जग का अर्थ है संसार, बौराना का अर्थ है पागल होना, साँच का अर्थ है सच्चा सत्य, मारन धावे, धावे मतलब दौड़ना, मारन का अर्थ है मारना, झूठे आप लोग जानते ही हैं, पतियाना का अर्थ है विश्वास करना, नेमी नियम का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, प्राप आप सबको पता है, स्नाना का अर्थ है स्नान करना, जिसे आप नहाना बोलते हैं, आत्म आत्मा या आप स्वयं का, मार मतलब मार देना न सुनना, पखाने पत्थर, पूजा का आपको पता होगा कि पूजा करना पूजना,
बहुतक का अर्थ है अनेक, ढेर सारे। पीर औलिया इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु और संत हैं उनको कहा गया है। किताब का अर्थ है ग्रंथ, कुराना आप जानते होंगे कुरान। मुरीद का अर्थ है शिष्य, अनुयायी। तदबीर का अर्थ है उपाय बताना, उपाय। आसन मार मतलब आसन में एक खास मुद्रा में बैठना। डिंब धर मतलब धारण करना, डिंब मतलब अभिमान। गुमाना गर्व। पीपर का अर्थ पीपल। पाथर का अर्थ है पत्थर। तीर्थ। टोपी पहिरे टोपी पहनना। छापा लगाना शरीर पे। अनुमाना मतलब अनुमान लगाना, जानना। साखी का अर्थ है दोहा। शब्दही का अर्थ है जब कोई गुरु अपने शिष्य को कोई मंत्र देते हैं तो अपने शिष्य के कान में कुछ कहते हैं, उसको बोलते हैं, उस मंत्र को बोलते हैं शब्दही। आत्म खबर आत्मा की खबर, अपनी खबर। तुर्क मुसलमान। रहिमाना का अर्थ है रहम करने वाला। आपस में दो का अर्थ है दो। लर का अर्थ है लड़ना। मुए का अर्थ है मरना। मर्म का अर्थ है रहस्य, ज्ञान, भेद। मंत्र का अर्थ है मंत्र, आपने इस शब्द को पहले भी सुना होगा। महिमा का अर्थ है उच्चता, श्रेष्ठता। अभिमाना का अर्थ बार बार या राय, अभिमान, गर्व। गुरु के सिख्य, सिख का अर्थ है शिष्य, अनुयायी। बूढ़े मतलब डूबे, डूबना। पछिताना मतलब पश्चाताप करना। भर्म मतलब भ्रम, झूठ, असत्य। केतिक कहो कितना बार कहा। सहजय का अर्थ है सहज, आसानी से। सहज का यहाँ अर्थ हम ईश्वर से लगाएंगे। समाना मतलब समा जाना, व्याप्त हो जाना, लीन हो जाना। मैंने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताए, बाकी जब हम अब इसका पंक्तिशः व्याख्या करते चलेंगे तो उस समय और बाकी जो शब्द छूट गए हैं उनके अर्थ को हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया कि आपको कबीर दास के व्यक्तित्व के तीन पक्ष को हमेशा याद रखना है, अभी आप जब पढ़ रहे हैं तब, और भविष्य में भी यदि कबीरदास आपको पढ़ने को मिले तो उस समय। कबीरदास एक भक्त कवि हैं, कबीरदास एक समाज सुधारक हैं और एक क्रांतिकारी कवि हैं। ये तीनों तत्व उनके व्यक्तित्व में मिले हैं और कोई भी कवि अपनी रचना में मौजूद रहता है। वह जो सोचता है, देखता है, सुनता है, उसको समझने की कोशिश करता है और वह अपनी रचना में उस चीज़ को डालने की कोशिश करता है। मैंने पहले भी बताया कि कबीर एक दृष्टा और सृष्टा कवि हैं। ध्यान देंगे, दृष्टा का अर्थ है देखने वाला और सृष्टा का अर्थ हो सकता है आप लोगों को पता हो, सृजन करने वाला, निर्माण करने वाला, रचने वाला। तो कबीरदास एक ऐसे कवि हैं जो वर्तमान की जमीन पर खड़ा होकर भविष्य को देख सकते हैं। यह पद लगभग 500 साल पहले लिखा जा चुका है, लेकिन हम पढ़ते समय इस बात को भी सोचते चलेंगे कि क्या वर्तमान में ऐसी ऐसी स्थितियां हमको देखने को मिल रही हैं जो 500 साल पहले कबीर के समय में थी। और यदि ऐसी स्थितियां हमको देखने को मिल रही हैं तो विज्ञान और तकनीकी के इस जमाने में जब हम कहते हैं कि हम मंगल पे पहुंच गए, हम चंद्रमा पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम 500 साल पहले अभी भी मानवता की दृष्टि से वहीं रुके हुए हैं।
दूसरी बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि यह पद आपके पाठ्यक्रम में क्यों है। इसलिए है कि चूंकि जब आप विद्यालय से निकलेंगे, कॉलेज में पहुंचेंगे, वहां से निकलेंगे, तो आप समाज में पहुंचेंगे और व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में नहीं होता, अच्छे नागरिक का निर्माण एक दिन में नहीं होता। तो जब यहाँ से कुछ पढ़ के निकलेंगे, कुछ अच्छे विचार लेके निकलेंगे, तो समाज में आप एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेंगे और हमारा समाज भी अच्छा बना रहेगा। अब हम आते हैं पाठ के व्याख्या पर, पद के व्याख्या पर। मैंने बताया था, दुर्भाग्यवश सही कनेक्शन नहीं हो पाया, वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई। तो मैंने पूर्व में बताया था कि कबीरदास ज्ञानाश्रय शाखा, भक्ति काल के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। मैंने यह भी बताया था कि कबीरदास जो है एकेश्वरवाद के विचार के समर्थक हैं। एकेश्वरवाद का अर्थ है एक ईश्वर और वाद, एक ईश्वर का वाद, मतलब ईश्वर एक है, चाहे उसको हम अल्लाह कह लें, चाहे उसको राम कह लें, चाहे उसको वाहेगुरु कह लें, चाहे उसको जीसस कह लें। यहाँ मुख्य रूप से हमें राम और अल्लाह यानी हिंदू और मुसलमान के आपसी द्वंद्व और झगड़े के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि यही दो प्रमुख धर्म उस समय हमारे देश में थे। तो हो सकता है आप में से किसी का प्रश्न हो सकता है कि आज हमारे देश में ढेर सारे धर्म हैं, लेकिन इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म के बारे में ही क्यों है। तो यही दो धर्म आपस में उस समय एक अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, इन्हीं धर्मों के बीच में लड़ाई थी। एक का उद्देश्य था कि अपने अस्तित्व को बचा के रखना, और एक धर्म हमारे देश में नया नया आया था तो उसका था कि अपने आप को विस्तार करना। तो झगड़ा इन्हीं दोनों के बीच में था। इन्हीं दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए कबीरदास एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं, और साथ ही जो दोनों धर्मों के यानी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु आज भी मिल जाएंगे आपको टीवी चैनल पे, ढेर सारे धर्म गुरु आते हैं, तो जो धर्म गुरु धर्म के नाम पर लोगों को बहकाने का, धर्म के नाम पर समाज में बांटने का खेल रचते थे, उनके खिलाफ कबीरदास इस पद में व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उनके खिलाफ खड़े होते हैं। और साथ ही साथ यह भी एक संदेश देते हैं कि ईश्वर एक है, और वो ईश्वर कहाँ है, वह हमारे हृदय के अंदर है, हमें वहीं ईश्वर को ढूंढना है। तो आगे कबीरदास कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना है। संतो किसको संबोधित है, सज्जन लोगों को, कि मैं देख रहा हूं कि हे सज्जनों, हे संतो, देखता हूं कि जग संसार बौराना, मतलब बौरा गया है। मैं ऐसा देखता हूं कि यह संसार पागल हो गया है, बौरा गया है। कबीरदास में कितना आत्मविश्वास रहा होगा, आप कल्पना करिए कि आज के समय में हम किसी ताकतवर व्यक्ति को, शक्तिशाली व्यक्ति को, जिसके पास धन बल हो, जिसके पास बाहुबल हो, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कह पाते। यद्यपि गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने के लिए संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन फिर भी हम, बड़ा मुश्किल होता है कि किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ हम कुछ कह पाएं, उसकी गलत बातों का विरोध कर पाएं। तो कबीरदास कहाँ रह रहे थे, आप सबको पता है, कबीरदास रह रहे थे काशी में, जो हिंदुओं की संस्कृति स्थल थी, और वहाँ का जो शासक था वो मुसलमान था। ऐसे में बहुसंख्यक प्रजा हिंदू और शासक मुसलमान, ऐसी जगह पर रह के कबीरदास जब दोनों के धर्मगुरुओं को खरी खोटी सुनाते हैं और खुलेआम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि यह पूरा संसार बौरा गया है, पागल हो गया है, तो आप कल्पना करिए कि कबीरदास के अंदर कितना साहस रहा होगा। और यह साहस कहाँ से आया होगा, यह साहस उनके गहरे आत्मविश्वास की उपज रही होगी। और वो जो गहरा आत्मविश्वास मैं बता रहा हूं आपको, आप जानते हैं कि किसी काम को करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो गहरा आत्मविश्वास कहाँ आया होगा, कहाँ से आया होगा, पाठ के शुरू में ही, या किताब जब आपके हाथ लगेगी तो आप देखेंगे कि वो एक लाइन लिखी हुई है कि मैं कहता हूँ आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लिखी, कि मैं तो जो आँख से देख रहा हूँ उसकी बात करता हूँ और तुम कागज पे लिखे हुए यानी वेद और शास्त्रों की, कुरान की बात करते हो। तो आँख की देखी हुई बात ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा प्रमाणिक होती है। तो उसी प्रमाणिक बात, उसी प्रमाण से कबीरदास के अंदर एक आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास के बल पे कबीरदास ऐसी बात कह पाते हैं। कहते हैं कि अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम सीधे पाठ पे चलते हैं कि संतो देखत जग बौराना,
बता दिया। कह रहे हैं कि क्यों पागल हो गया है समाज, पागल समाज पागल हो गया है, संसार पागल हो गया है, तो कर क्या रहा है समाज। कह रहे हैं कि साँच कहो तो सच्चा सत्य, यदि मैं सत्य कहूँ कहता हूँ तो मारन धावे, मारने को धावे मतलब दौड़ाता है, यदि मैं सत्य कहता हूँ तो यह समाज मुझे मारने को दौड़ाता है, झूठे जगपतियाना, और यदि मैं झूठ कहता हूँ या झूठ की बातों पे, यह संसार जो है बड़ी आसानी से झूठ का विश्वास कर लेता है। यानी सत्य कहा जाए तो संसार सत्य कहने वाले को मारने को दौड़ाता है, उसे पीड़ित करता है, उसे दुखी करता है, और झूठे लोगों की बातों का यानी झूठी बात का बड़ी आसानी से विश्वास कर लेता है। संतो देखत जग बौरा, कबीरदास इसी आधार पर कहते हैं कि संसार जो है बौरा गया है, या जग जो है बौरा गया है। और क्या आखिर ऐसा क्या है समाज में कि कबीरदास को ऐसा कहना पड़ा। कहते नेमी देखा, देखा है मैंने किसको, नेमी को। नेमी कौन, नियम का पालन करने वाला। धर्मी देखा, धर्मी को भी कबीरदास ने देखा। कहते कि मैंने नेमी और धर्मी अर्थात नियम का पालन करने वाले लोगों को और धर्म का पालन करने वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। ये क्या करते हैं, प्रात करे स्नान, ये सुबह सुबह स्नान करके आत्म शुद्धि करके अपने आप को शुद्ध करके अपने आप को स्वच्छ करके आत्म मार पखाने ही पूजे, अपने आप को स्वच्छ तो कर लेते हैं किंतु आगे क्या करते हैं, कहते हैं कि आत्म मार, आत्मा को मार करके, आत्मा की आवाज को न सुन करके पखाना ही पूजे, पत्थर पूजने लग जाते हैं। मैंने ऐसे नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को देखा है जो सुबह सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, आत्मशुद्धि करते हैं और पत्थर पूजना शुरू कर देते हैं। कबीरदास कहते हैं कि उनमें कछु नहीं ज्ञान है, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले पद में कबीरदास कह चुके हैं कि यह जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा, या इसको दूसरे शब्द में कहें तो परम तत्व या परमात्मा और इस जगत संसार, इस संसार में रहने वाले सारे मनुष्य या जीवधारी, दोनों अलग नहीं है। तो जब दोनों अलग नहीं है तो हम भी उस परमात्मा के हिस्सा हैं, अंश हैं, तो हम फिर पत्थर पूजने क्यों जाएं। लेकिन कह रहे हैं कि उनमें कछु नहीं ज्ञान है, लेकिन उनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान किस बात का नहीं है, ज्ञान ईश्वर के सच्चे स्वरूप का नहीं है कि ईश्वर कहाँ है। उनको ऐसा लगता है कि पत्थर में ही ईश्वर है तो पत्थर पूजना शुरू कर देते हैं, काकर पाथर जोड़ के। सर आगे इसको देखेंगे। हाँ, कबीरदास अन्यत्र एक जगह लिखते हैं कि, छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपने हो सकता है कि बचपन में पढ़ा हो कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाई, एक हिरण, मृग का अर्थ है हिरण, हिरण एक कस्तूरी मृग भी पाया जाता है, प्रजाति है हिरण की, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, वो खुशबू फैलाती है। तो जब हिरण वन में घूमता है तो उस समय का प्रसंग बताते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाई, मृग के नाभि में कस्तूरी है और मृग अर्थात हिरण उसको जंगल जंगल दौड़ दौड़ के उस कस्तूरी को ढूंढता है, क्योंकि उसके सुगंध से वो मादक हो जाता है, पागल हो जाता है, वो सुगंध के पीछे पड़ जाता है ढूंढने के लिए। आगे अगली पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, कि राम तो हर घट घट में, हर घड़े में अर्थात हर हृदय में है, लेकिन दुनिया के लोग अर्थात इस संसार के लोग, मनुष्य उनको देख नहीं पाता। मनुष्य की स्थिति ठीक वैसे ही उस हिरण की तरह है, जो कस्तूरी तो खुद उसके नाभि में होती है लेकिन वो पूरे जंगल में घूमता रहता है। यहां भी कबीरदास, मैंने भाव की समानता के लिए आपको ये दोहा सुनाया, साथ ही साथ देखते चलेंगे कि कह रहे हैं कि तो उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें भी कोई ज्ञान नहीं, किनमें, ऐसे नियम धर्म का पालन करने वाले जो बड़ी कड़ाई से, बड़ा
संकल्प के साथ नियम धर्म सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर पत्थर पूजने लगते हैं, लेकिन उनको ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं होता है। ये तो बात हो गई हिंदुओं की। अब मुसलमानों को भी वो खरी खोटी सुनाते हैं, क्योंकि झगड़ा तो हिंदू और मुसलमान दोनों का था। और आप यदि आप महानगर के विद्यार्थी हैं, आपके पास लगभग सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मौजूद हैं, अखबार आपके घर में आता होगा, तो आप पढ़ते होंगे। अभी तो महीने भर से हम लोग कोरोना के चक्कर में परेशान हैं, लेकिन समय समय पे आप ऐसे समाचार हमारे देश में आते रहते हैं कि दो संप्रदाय के लोग आपस में मारपीट कर लिए, और वजह क्या होता है किसी को पता नहीं होता। वजह के मूल कारणों में अपने धर्म की श्रेष्ठता ही हो सकती है। ये झगड़ा तब भी था। तो हिंदुओं के बारे में तो कबीरदास कह दिए, और मुसलमानों के बारे में क्या कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया। मैंने बहुतक, बहुत से ढेरों देखा, मिला, देखा। किनको देखे हैं कबीरदास? पीर औलिया को। पीर औलिया ये इस्लाम धर्म के जो उनके गुरु हैं या उनके धर्म गुरु हैं, उनके साधक हैं, इन लोगों के बारे में बात करते हैं। पढ़े पढ़े कि देव पुराना, कि मैंने बहुत सारे इस्लाम धर्म के, मुसलमानों के बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा है जो पढ़ते रहते हैं किताब ग्रंथ, तमाम ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, वे अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, अपने धर्म के मानने वाले लोगों को पढ़ाते रहते हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे धर्मगुरुओं को, इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं को देखा है जो खूब ग्रंथों को पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, अपने अनुयायियों को भी पढ़ाते रहते हैं। कै मुरीद, कै मतलब वही, क्या वही, क्या का अर्थ है वही, मुरीद तदबीर बताने, मुरीद मतलब शिष्य, अनुयायी, फॉलोअर्स जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, तदबीर उपाय बतावें, बताते हैं। खूब धर्म की किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, और अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को बतलाते भी हैं, यानी पढ़ाते भी हैं। क्या बतलाते होंगे? कबीरदास व्यंग करते हैं उनमें, व्यंग के माध्यम से कहते हैं कि वो बतलाते क्या होंगे, वो बतलाते होंगे उनमें वह जो ज्ञान है, कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उनमें, मतलब उन लोगों में, किन लोगों में, धर्मगुरुओं में, वह मतलब वही जो कुरान या धर्म ग्रंथ पढ़ के ज्ञाना, जो ज्ञान प्राप्त किया है। तो जो कुरान और धर्म ग्रंथ पढ़ करके इन लोगों ने ईश्वर के संबंध में, अल्लाह के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त किया है, वही बात वे अपने शिष्यों को बताते हैं। अब गौरतलब ये है कि कबीरदास शास्त्र को तो एकदम से खारिज करते हैं, जीरो करते हैं। मैंने बताया था, वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तुम कागज पे लिखे की बात करते हो, कागज पे लिखे की बात का अर्थ है शास्त्रों को, ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को, क्योंकि मैं जो आंख से देख रहा हूँ मैं उसकी बात करता हूँ। तो कबीरदास पूरी तरीके से धर्म ग्रंथों के ज्ञान को खारिज करते हैं, कहते हैं कि वो लोग क्या बताते हैं, जो पढ़ते हैं वही बताते हैं, यानी उनका ईश्वर के संबंध में ज्ञान पूर्ण नहीं है, ठीक नहीं है, पूरा नहीं है। तो जो उनका ज्ञान अधूरा रह जाता है, वही अधूरा ज्ञान भी आगे अपने शिष्यों को फॉरवर्ड करते हैं, देते हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ता चरमुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कि कंकर पत्थर जोड़ के तुम लोग मस्जिद बना लेते हो और उस पे चढ़ के रोज अल्लाह को आवाज देते हो, क्या अल्लाह बारा है? तो तमाम ऐसे परंपराओं का, पाखंडों का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो या इस्लाम धर्म का, वो खारिज करते हैं, उसको जीरो करते हैं, उसको शून्य करते हैं। अब उनके समय में तमाम ऐसे योगी भी थे जो घूम घूम के लोगों को मंत्र देते थे, लोगों को ईश्वर के बारे में शिक्षा देते थे, उन पे भी वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि आसन मार डिंब धरी बैठे, ऐसे योगी, ऐसे संत लोग आसन लगा के बैठ जाते हैं। बैठ तो जाते हैं ईश्वर की उपासना के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए, लेकिन डिंब धरी,
लेकिन बैठने में उनके क्या है, उनके मन के अंदर डिंब है, अभिमान है, घमंड है। वही घमंड धारण करके आसन लगा के आसन की मुद्रा में बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमाना, किंतु ऐसे लोगों के मन में बहुत अहंकार होता है, बहुत गुमान होता है। अहंकार किस बात का होता है ऐसे लोगों के मन में? अपने आप को ये लोग ईश्वर के श्रेष्ठ साधक मानते हैं, यही अहंकार इनके मन में होता है। कबीरदास अन्यत्र एक दोहे में लिखते हैं कि क्या लिखते हैं वो कहते हैं कि माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चौदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाय। कहते हैं कि माला तो हाथों में फिरती रहती है और जीव जो है मुख में फिरता रहता है, जीव मुख में बोलती रहती है, डोलती रहती है, राम राम या अल्लाह अल्लाह कहती रहती है, लेकिन मन की स्थिति क्या है? मनवा तो चौदिसी फिरे, चारों दिशाओं में फिरता है। कबीरदास कहते हैं कि यह तो सुमिरन नाय। सुमिरन का अर्थ है पूजा, नाम स्मरण, किसका नाम याद करना, किसका, भगवान का। कहना कि ये कोई पूजा पूजा नहीं है जिसमें हमारा मन सब जगह घूमता हो, यह एक ढोंग है, दिखावा है। तो ऐसे योगियों पर कबीरदास ऐसे शब्दों से प्रहार करते हैं कि ये जो आप आसन लगा के मन में अभिमान भर करके बैठ गए हैं, वास्तव में क्या है, ये आपका अहंकार है, अपने आप को यह बतलाने के लिए, अपने आप को यह दिखलाने के लिए कि आप ईश्वर के श्रेष्ठ साधक हैं, आपको ही सिर्फ पता है ईश्वर की सच्ची साधना। और ये लोग क्या करते हैं, कौन ये योगी जिनको कबीरदास जिन पे प्रहार कर रहा है, ये आगे करते क्या है, ये करते हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर का अर्थ पीपल, आप देखे होंगे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। साइंटिफिक रीजन दूसरा है पीपल के वृक्ष की पूजा करना, यह हमेशा हमको ऑक्सीजन देता है। तो जो हमारे पुराने मनीषी लोग रहे हैं, विद्वान लोग रहे हैं, उन लोगों ने यह सोचा कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां पीपल को नष्ट न कर दे, क्योंकि हमको ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको इन्होंने धर्म से जोड़ दिया। और मनुष्य धर्म भीरु होता है, धर्म से डरता है, ईश्वर के नाम पे डरता है, तो पीपल को वो काटना बंद कर देगा। पानी देने का अर्थ है, जल देने का क्या अर्थ है कि उस पर पानी देना चाहिए, उसको सींचना चाहिए, ताकि यह पीपल का वृक्ष जो है हरा भरा रहेगा और हमको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको पाखंड से जोड़ दिया, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि पीपल की पूजा करना शुरू कर देते हैं, पत्थर पूजा करना शुरू कर देते हैं। पाथर की पूजा पे कबीरदास का एक और दोहा मुझे याद आ रहा है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कह रहे हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर मिल जाए तो मैं तो फिर पहाड़ की पूजा कर लूं। ताते चाकी भली पीस खाए संसार, इस पत्थर के पूजन से तो ज्यादा अच्छा है कि घर की चक्की की पूजा की जाए, जिसमें हम गेहूं को पीस के आटा निकालते हैं और उससे हम अपना पालन पोषण करते हैं। फिर हम लौटते हैं पाठ पे, पीपल पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भूला। ये लोग जो है पीपल की पूजा करने लगते हैं, पत्थर की पूजा करने लगते हैं, तीर्थ यात्रा शुरू कर देते हैं और इसी के अभिमान में सब कुछ भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? ईश्वर को भूल जाते हैं। बहुत सारी अवांतर कथाएं हैं, लेकिन चूंकि कम नेटवर्क गायब हो जाए और हमारा पाठ बीच में ही रुक जाए और मैं फिर पोस्ट न कर पाऊं, तो इसलिए मैं कोशिश में हूं कि आप तक कम से कम पाठ का अर्थ तो पहुंचा ही दूं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, कि ये लोग टोपी पहन लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं, कनफट्टी टोपी लगा लेते हैं। साधु संतों को कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा माला पहन लेते हैं, तमाम रुद्राक्ष की माला और क्या क्या मालाएं धारण कर लेते हैं, शरीर पे जगह जगह छापे लगा लेते हैं और तिलक लगा लेते हैं। कह रहे हैं कि आप इनके इस रूप को देख के अनुमान लगा लीजिए कि ये लोग पाखंडी हैं, ये लोग आडंबर वाले हैं, ये लोग ईश्वर को सच्चे अर्थों में नहीं जानते। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना, और ये लोग और क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते तो क्या करते हैं घूमने के साथ साथ, ये साखी दोहे गाते रहते हैं, यानी भजन गाते रहते हैं शब्द ही, और घूम घूम के तमाम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं। गावत भूले, ये सारे कर्म कांड पाखंड आडंबर करने में ये भूल जाते हैं।
क्या भूल जाते हैं, ये इतने लीन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? आत्म खबर, आत्मा की खबर, अपनी खबर ये नहीं जान पाते। आत्मा की खबर क्यों? पहले पद में कबीरदास स्पष्ट कर चुके हैं कि सारे मनुष्यों के अंदर ईश्वर, सारे मनुष्यों के हृदय में ईश्वर मौजूद है। तो जब ईश्वर हमारे हृदय में ही मौजूद है तो फिर हमको किसी और ढोंग, किसी और दिखावे, किसी और प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों? यानी जो कुछ भी हो रहा है कबीरदास की दृष्टि में, ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो ढोंग है, प्रदर्शन है। तो कबीरदास कहते हैं कि ये लोग अपने आत्मा की खबर, आत्मा की स्थिति, यानी हमारे हृदय के अंदर जो ईश्वर बैठा है उसी को भूल जाते हैं, बाकी सारे ये प्रयास करते रहते हैं। आगे फिर कहते हैं कि हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहिमाना। कहने कि हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है, मेरे ईश्वर राम है, वही सबके स्वामी हैं। और मुसलमान कहते हैं कि मेरे ईश्वर तो रहीम है, जो सब पे रहम करने वाले हैं। हिंदुओं को राम प्रिय है और मुसलमानों को रहीम प्रिय है। हिंदू राम के अनुयायी हैं और मुसलमान रहीम के अनुयायी हैं। रहीम को अपना ईश्वर मानने वाले हैं, अपना अल्लाह मानने वाले हैं। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काबू जाना। कबीरदास कहते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में, लेकिन मर्म न काबू जाना, लेकिन सत्य क्या है इन दोनों को पता नहीं है। सत्य क्या है इन दोनों को पता नहीं है। एक कहता है कि मेरे राम मेरे ईश्वर हैं, वही श्रेष्ठ है। दूसरा कहता है कि अल्लाह मेरे ईश्वर है, वही श्रेष्ठ है। और राम और अल्लाह को लेकर दोनों आपस में लड़के मर जाते हैं, लेकिन सत्य क्या है इन दोनों को पता नहीं है। इतना पढ़ाने के बाद आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि सत्य क्या है। ये जो हमारा संवाद हो रहा है एक तरफा हो रहा है, सिर्फ मैं ही बोल पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी मेरी स्थिति ऐसी बन रही है कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या दोनों से संवाद होता तो कुछ और भी बातें इसमें निकलती। खैर, हम आगे देखेंगे कि और क्या है। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा की अभिमान। और ये जो दोनों धर्मों के धर्मगुरु हैं, ये घूम घूम कर घर घर जाकर मंत्र देते हैं अपने अपने धर्म की। मंत्र देना मतलब दीक्षा देना, अपने अपने धर्म को दीक्षित करते हैं, धर्म में लोगों को दीक्षित करते हैं, अपने अनुयायी बनाते हैं। ये कबीरदास कहते हैं कि ऐसा करते क्यों हैं? ये करते हैं महिमा के अभिमान, अपनी महिमा के अभिमान में भरकर, अपनी उच्चता के अभिमान में भरकर, अपने आप को उच्च मानते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को ईश्वर का बड़ा भक्त मानते हैं। इसी घमंड में आकर, इसी महिमा की उच्चता में आकर ये लोग घर घर घूम घूम कर शिष्य अपने लोगों को मंत्र देते हैं, दीक्षित करते हैं, दीक्षा देते हैं। कबीरदास कहते हैं कि ऐसे लोगों की स्थिति बहुत बुरी है। क्या है इनकी स्थिति बहुत बुरी है? गुरु के सहित ऐसे गुरु, ऐसे धर्म गुरु, ऐसे धर्म के ठेकेदार जो घर घर घूम कर भक्त तैयार करते हैं, ऐसे गुरु के साथ सिख अर्थात शिष्य सब बूढ़े, ऐसे गुरु भी और ऐसे गुरुओं के बनाए हुए शिष्य भी बुड़ जाएंगे, डूब जाएंगे। कहाँ डूब जाएंगे? इस संसार रूपी दुख के सागर में। क्यों? क्योंकि इस संसार रूपी दुख से उबारने वाला कौन है? कबीरदास के हिसाब से ईश्वर है। लेकिन जब ईश्वर को ही नहीं जानते, सारा ढोंग और आडंबर जानते हैं, दिखावा प्रदर्शन जानते हैं, तो जब गुरु ही सही नहीं जानता तो जो जिनको अपना शिष्य बना रहा है वो शिष्य के पास भी ईश्वर संबंधी सत्य ज्ञान नहीं पहुंचता। तो कबीरदास ऐसे गुरुओं के ऊपर व्यंग करते हैं कि ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी डूब जाएंगे। एक चीज और बताते चलूं कि आपको सुन के आश्चर्य हो रहा है, कबीरदास का एक दोहा है कि कबीरदास गुरु को बड़े आदर के साथ याद करते हैं। एक दोहे में आपने सुना होगा, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है, कि गुरु भगवान से ऊपर है, तो फिर वो इन गुरुओं के डूबने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुरु सच्चे गुरु नहीं है। तो सच्चा गुरु है कौन? बुरे गुरुओं के लिए एक जगह उन्होंने और कहा है कि जाका गुरु है आन्हरा, जिसका गुरु अंधा है, अर्थात जिसके जिस गुरु के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश ही नहीं है, अज्ञानता रूपी अंधकार है। यानी जाका गुरु है आन्हरा, चेला खरा निरंत, और तो उसका चेला तो और भी अंधा होगा, और भी अज्ञानी होगा।
अंधे अंधा ठेलिया, एक अंधा दूसरे अंधा को धक्का देगा, दोनों दोनों कूप पड़न, और दोनों कहाँ गिर पड़ेंगे, कुएं में गिर करके अपनी जान देंगे। कबीरदास यहाँ भी वही कह रहे हैं कि गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े अंत काल पछताना। और ऐसे गुरु और शिष्यों को जो जीवन भर ढोंग और आडंबर में लिप्त रहे, इन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती, नहीं हो पाएगी, और इन्हें अंतकाल में चला चली की बेला में मरते समय पछताना पड़ेगा। एक और छोटी सी कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली नराम। कि यदि जब हमारा मन दुविधाग्रस्त होता है, दुविधा क्यों मन में रहेगा, जब ज्ञान नहीं रहेगा। और ज्ञान कौन सा, सद्ज्ञान, सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा तो हमारे मन में दुविधा और संशय रहेगा। जब दुविधा और संशय में हम जिएंगे तो ना हमको माया मिल सकती है, मोह की चीजें मिल सकती हैं, और ना हमको भगवान मिल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास अब अपनी बात पे आते हैं, कहते हैं कि हे संतो, संबोधित करते हैं, संबोधन शैली है इनकी, कि हे सज्जनों सुनो, ये सब जितना भी है सब भ्रम है, भ्रम है सब। इनको ये भुलावा है, ये छलावा है, ये छल है, ये असत्य है। कोई भी शब्द ऐसा आप दे सकते हैं। ये जो धर्म गुरु, धर्म के ठेकेदार ईश्वर के बारे में आप लोगों को समझा रहे हैं, ये सारा क्या है, भ्रम है। जहाँ जिस समाज में इतने धर्म के ठेकेदार फैले हों, ईश्वर का ज्ञान दे रहे हों, वैसी जगह पे यदि कोई एक व्यक्ति, एक जुलाहा ईश्वर के बारे में कुछ बोलेगा तो लोग उसको मारने को दौड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सत्य बोल रहा है, उसको ईश्वर के बारे में ज्ञान हो चुका है। तो कह रहे हैं कि ये सब भ्रम है, ये सब हमें भूलना चाहिए, ये सब चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों भुला देने की बात करते हैं कबीरदास, कह रहे हैं कि केतिक कहो कहाँ नहीं माने, मैंने ऐसे लोगों को, कैसे लोगों को, इन धर्मगुरुओं को केतिक कहो, कितनी बार मैंने कहा कि सब भुला दो, ये सब भ्रम है, झूठ है, छल है, इस छल को मत फैलाओ समाज में, इस संसार में, कहा नहीं माने, पर इन लोगों ने मेरी कोई बात नहीं मानी, मेरी कही हुई बात को नहीं माना, उल्टा मुझे मारने को दौड़ाया। आगे कहते हैं कि सहज सहज समान, मैंने इन लोगों से यह भी कहा कि सहज सहज समान, सहज मतलब बड़ी आसानी से, सहज का अर्थ है ईश्वर, समाना मतलब लीन हो सकता है, हम बड़े आसानी से, बड़े आराम से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर है कहाँ, ईश्वर हमारे हृदय में है। कह रहे हैं कि ये सब भ्रम फैलाने वाले लोगों को मैंने बहुत बार समझाया कि यह पथ ठीक नहीं है, यह रास्ता ठीक नहीं है, इसको भूल जाओ, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। लेकिन मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को पाने का रास्ता बड़ा आसान है, क्योंकि ईश्वर को पाना बड़ा सहज है। एक बात और मुझे याद आ रही है, सहज यहाँ दो बार आया, सहज है, सहज सहज शब्द होता क्या, आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि प्रश्न बहुत सहज थे, ये काम बहुत सहज है, तो सहज है क्या, यदि हम दर्शन के मामले में देखें तो। सहज सहज सब कोई कहे, कबीरदास का ही ये पद है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज चिन्हे नहीं कोई, सभी लोग सहज सहज कहते रहते हैं, किंतु सहज क्या है, कोई चिन्हता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, तो है क्या सहज, कबीरदास कैसे जानते हैं सहज क्या, जिन सहजे विषया तजी, जिन लोगों ने सहजे मतलब आसानी से विषया, विषय वासनाओं को तजी मतलब त्याग दिया, मोह माया के बंधनों को छोड़ दिया, ऐसे इसी को कहते हैं सहज कही जैसो, उसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सहज है। तो कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति बहुत सहज तरीके से, बहुत आसान तरीके से हो सकती है, हम ईश्वर में बड़ी आसानी से लीन हो सकते हैं। ये था पद आपके सामने। अब इस कविता का हम थोड़ा काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य का प्रथम जो चरण है वो भाव सौंदर्य है। भाव का अर्थ सीधे सीधे कविता के अर्थ से लेंगे कि कबीरदास सहज भक्ति, ईश्वर की सहज उपासना पे बल देते हैं, कबीरदास सच्चे मन से ईश्वर की पूजा पे विश्वास करते हैं। वे कहना चाहते हैं कि हमें बाहरी ढोंग और आडंबरों को त्याग देना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कविता का जो शिल्प पक्ष है उसके विषय में हम जानेंगे। शिल्प पक्ष के विषय में, शिल्प पक्ष का जो पहला अंग है वो भाषा है।
कबीरदास की भाषा के बारे में सीधे सीधे आपको ये जानना है कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी समझते हैं कई चीज़ें एक साथ मिलकर बनाई जाती हैं, तो कई भाषाओं के कई बोलियों के शब्द इनकी भाषा में सहज रूप से मिल सकते हैं। एक जगह कबीरदास यह भी कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, भाखा हम दूसरे वाले पद को लेंगे, भाखा बहता नीर, भाषा भाखा मतलब भाषा, भाषा क्या है जो बहते हुए नीर मतलब पानी के समान हो, जो बहुत प्रवाहमान हो, तो कबीरदास की भाषा यहाँ प्रवाहमान है, भाव के अनुकूल भाषा है, मतलब भाव क्या कबीरदास जो कहना चाहते हैं उस बात को भाषा से कहला लेते हैं। अच्छा, हजार प्रसाद द्विवेदी का नाम आप लोगों ने 9th में सुना होगा, वो कहते हैं कि कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, उन्होंने जिस बात को जिस रूप में कहना चाहा कहलवा लिया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, भाषा उनके सामने कुछ लाचार सी जान पड़ती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद हिंदी साहित्य में एकमात्र या पहले कवि ऐसे हो सकते हैं जो जिनके सामने किसी विद्वान ने कहा हो कि उस कवि के सामने भाषा लाचार जान पड़ती है, बाकी तो हम भाषा या शब्द ढूंढते रहते हैं, हमको मिलता नहीं। और कबीरदास, यह भी आपको याद होगा कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, तो भाषा अभ्यास से आती है, किसी भी भाषा का अभ्यास करेंगे तो अभ्यास आएगी। तो भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा, भाषा प्रवाहमान है, भाषा भाव के अनुकूल है। अब अलंकारों की बात करेंगे तो इनकी कविता में यूं तो ये इन्हें छंद और अलंकारों का कोई ज्ञान नहीं था क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे होते तो अलंकार के आधार पर कविता का रचना करते, कविताओं की रचना करते, लेकिन फिर भी जब ये भक्ति की रौ में आते हैं और लिखते हैं तो अलंकारों को, चूँकि आपने 10th में अलंकार पढ़ा है इसलिए अलंकारों को 9th में या 10th में अलंकार पढ़ा इसलिए अलंकार आप इसमें बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो पीपर पाथर पूजन कितेब कुराना भर्म भुलाना सहित सिख सब साखी शब्दही केतिक कहो सहज सहज समाना में अनुप्रास अलंकार है। और आप देखेंगे यहाँ एक जगह लरिलर आया है और घर घर आया है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। आपने 10th में रस पढ़ा है तो इस कविता में, इस पद में रस जो है वह शांत रस है। इस प्रकार कबीरदास का दूसरा पद समाप्त हुआ। मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ।